नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिस्ट्री एंड नॉलेज में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा स्पेस से जुड़े मिथ्य और फैक्ट्स। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। स्पेस का रहस्य सुलझाना काफी मुश्किल है। बचपन से ही इससे जुड़ी कई बातें हम पढ़ते और सुनते आए हैं, लेकिन असलियत क्या है ये कोई नहीं जानता। इस वजह से लोगों को स्पेस से जुड़ी कई तरह की गलतफहमी भी हो जाती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्पेस से जुड़ी ऐसी ही गलतफहमियां और उसके पीछे का सच। जैसे नंबर एक, मरकरी है सबसे गर्म प्लेनेट। लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी ग्रह सूरज के सबसे नज़दीक होता है वही सबसे गर्म है, लेकिन ये सच नहीं है। वैसे तो सूरज के सबसे नज़दीक मरकरी प्लेनेट है, लेकिन उससे ज़्यादा गर्म वीनस है। दिन के समय में जहाँ मरकरी का टेम्परेचर 420 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, वहीं वीनस का टेम्परेचर 462 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। नंबर दो, सूरज का रंग होता है पीला। दोस्तों, पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि सूरज का रंग पीला या नारंगी है, लेकिन असल में सूरज का रंग सफ़ेद होता है। दरअसल टेम्परेचर की वजह से पृथ्वी से सूरज का रंग नारंगी दिखाई देता है। नंबर तीन, चांद के दूसरे साइड रहता है अंधेरा। लोगों को ऐसा लगता है कि चांद के दूसरे तरफ अंधेरा रहता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। दरअसल पृथ्वी से हम चांद का सिर्फ एक ही हिस्सा देख पाते हैं, साथ ही दोनों एक ही दिशा में घूमते हैं। इस वजह से भी हमें चांद का एक हिस्सा ही दिखाई देता है। सूरज की रोशनी चांद के हर तरफ मौजूद है, लेकिन हमें सिर्फ एक ही तरफ का हिस्सा दिखाई देता है, इसीलिए हम ऐसा मान लेते हैं कि चांद के दूसरे तरफ अंधेरा होता है। नंबर चार, पृथ्वी है गोल। आज तक हमें ऐसा मालूम था कि पृथ्वी फ्लैट या चकोर नहीं है, बल्कि पृथ्वी गोल है, लेकिन असलियत में पृथ्वी के पोल्स के पास वाला हिस्सा थोड़ा चिपटा है। असलियत में पृथ्वी का शेप आलू की तरह है। नंबर पाँच, गर्मियों में सूरज से नज़दीक होती है पृथ्वी। लोगों में आम धारणा है कि गर्मियों के मौसम में पृथ्वी सूरज से काफ़ी नज़दीक रहती है, इस वजह से पृथ्वी पर काफ़ी गर्मी रहती है। दरअसल पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज की तरफ रहता है वहाँ गर्मी रहती है, वहीं दूसरी तरफ ठंड का मौसम रहता है। आपको बता दें कि पृथ्वी एक ही ऑर्बिट में घूमती है। नंबर छः, वीनस पर भी मौजूद है लाइफ। वीनस को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। लोग ऐसा मानते हैं कि वीनस और पृथ्वी एक जैसे ही हैं, इसीलिए उस पर भी जिंदगी मौजूद है, लेकिन असलियत में वीनस पर इंसान का रहना असंभव है। नंबर सात, लोग ऐसा मानते हैं कि सूरज आग का गोला है। दोस्तों, सूरज आग का गोला नहीं है। सूरज पर न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से इसमें गर्मी पैदा होती है, जिसके कारण सूरज चमकता रहता है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।